जैन दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम इस दोस्तों में दोस्तों डीडीए के गाइस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में गाइस बात करेंगे। आपका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है और आपको फ्रेंड्स कौन सा फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो पाए, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, डीडीए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट सिलेबस 2020 पटवारी एग्जाम पैटर्न। तो गाइस हम नीचे आ जाते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ, इसमें आपकी वैकेंसीज देख लीजिए, यहाँ पे 629 है, 629 आपकी इसमें टोटल पोस्ट है गाइस। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, असिस्टेंट की पोस्ट है पटवारी की गाइस, एंड अदर जो बाकी रहेगी आपकी वो भी है इसमें, ठीक है। और अभी गाइज ये फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट नहीं हुए हैं, अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होने हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है। आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप वो वीडियो पाना चाहते हो दोस्तों, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं एक बार। अगर दोस्तों आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आराम आराम से। देखिए गाइज यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर में आपका ओनली वन पेपर होगा, इंटरव्यू होगा। ओके, तो आपके जो मेन मेन पोस्ट है उनका बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए गाइस, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी में आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, आपका ओनली पेपर होगा, और स्किल टेस्ट होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में गाइस आपके स्टेनोग्राफर में 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पटवारी जो कि आपका ओनली 10th पास पे है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए टू स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्टेज वन प्रीलिमिनरी, स्टेज वन मेन। गाइज पटवारी में आपके दो पेपर होने हैं। हाँ जी, सही सुना आपने, पटवारी में आपके दो पेपर होने हैं। ओके, पटवारी का फॉर्म शायद आपका पता नहीं ग्रेजुएशन बेस पे, आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट का भी यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन देने रखा, अभी थोड़ा नीचे चलिए एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, एग्जाम पैटर्न एंड फॉलोअर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, स्टेज वन जो भी गाइज आपकी पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट वाली, ठीक है, उसमें आपका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा गाइज। आपको द क्वेश्चन पेपर सेल बी 2 hours ड्यूरेशन, आपको गाइस 2 घंटे का पेपर होगा आपका, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके, आपके 120 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो मल्टीपल चॉइस मतलब ऑप्शन टाइप में होंगे फ्रेंड्स। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करो, आपकी 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, ऑप्शन टाइप में होगा। और इस क्वेश्चन विल बी 1 mark, आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे 100, जो कि 100 marks के होंगे, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 50 की आपकी जीके होगी। ओके, आपकी नेगेटिव मार्किंग उसमें भी बिल्कुल सेम है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी इसमें, ठीक है। इसमें आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, ठीक है, स्टेनो में। ओके, इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपके मैं पटवारी की बात करूँ, आपके पटवारी का एग्जाम पैटर्न, तो आप फ्रेंड्स देख लीजिए, द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑप्शन टाइप पेपर होगा आपका। एग्जाम विल कंसिस्ट 120 क्वेश्चन होंगे आपके इसमें दोस्तों, वह 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी आपको, जो सा आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 hours, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल सेम है जो मैंने ऊपर वाले पेपर में बताई थी आपको। ओके, स्टेज टू में आपका मेन जो इसमें पटवारी में आपके 2 पेपर होने हैं दोस्तों। हाँ सही सुना आपने गाइस, आपके 2 पेपर होने हैं पटवारी पेपर में, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न रिटर्न एग्जाम फॉलोअर्स, द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, आपका जो पेपर होगा गाइस ऑप्शन टाइप में होगा। 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पटवारी के सेकंड पेपर में, मेन में मिलेंगे 200 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आपसे पूछ जाएगा, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। गाइज आप हिंदी में कर लो या फिर उर्दू में कर ले, आपके पास जो चॉइस होंगी वहाँ पे उर्दू या हिंदी आप कौन से भी कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे मिलेंगे और टाइम मतलब पेपर सोल्व करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग आप देख लीजिए 0.33 है। ओके, और फ्रेंड्स ये देखिए गाइज, जो आपकी काफी इंपोर्टेंट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें आपकी 292 समथिंग पोस्ट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम सिलेबस, एग्जाम सिलेबस इंफॉर्मेशन गिवन इन बिलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका जो सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है, ये तो आराम से गाइस इसे देख लीजिएगा, काफी मतलब बड़ा सिलेबस है, वैसे दिखने में बड़ा लेकिन इतना बड़ा नहीं है, आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, मैं मतलब स्लाइड करता रहता हूँ, नीचे नीचे कर देता हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसको। तो जनरल अवेयरनेस में देख लीजिएगा आप, ठीक है। कॉन्ट एप्टीट्यूड यहाँ पे दिया गया है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज है, कम्प्रीहेंशन है, इसके बारे में प्लीज आप एक एक बात को ध्यान से नोट करें,
और अपनी तैयारी कीजिएगा। ओके या गाइस, आपका सिलेबस रहने वाला है सेक्शन 2 सेक्शन 3, ठीक है, आपका अलग सेक्शन में बांटा गया है ये सब, तो आप प्लीज फ्रेंड्स देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप प्लीज रोक रोक के देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर डी में दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे जनरल डिटेल्स का आपकी ये सिलेबस में ये टॉपिक रहेंगे, जजमेंट डिसीजन मेकिंग विजुअल मेमोरी, ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस में आपके जो आप टॉपिक देख लीजिएगा आराम से, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज भी पूछी जाएगी इसमें। पटवारी का गाइस देखिए, स्टेज वन में आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, गाइस आप देखिए एलसीएम, एससीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, सब नॉर्मल है गाइस, ठीक है, इतना कुछ नहीं है इसमें पटवारी के इसमें भी, ठीक है, तो सब सिंपल है, स्टडी ध्यान से कीजिएगा आप, ठीक है। और स्टेज सेकंड गाइस यहाँ पे देखिए, जनरल अवेयरनेस पूछ जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछ जाएगी, मैथ पूछा जाएगा, हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी आपसे। ओके तो गाइस देखिए, मैं आपको गाइस कहते हैं कि मतलब ज्यादा घुमा के बात नहीं करनी चाहिए, मैंने एक बात सुनी कि जो बोलना चाहिए जायज बात करनी चाहिए। देखिए गाइस, आप ना ध्यान दीजिए, आप मैथ पे, रीजनिंग पे, जीके पे और हिंदी इंग्लिश दोनों पे, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। आप चाहे पटवारी का फॉर्म फिलअप करोगे, फिर आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करो, या फिर आप अदर कोई भी मतलब इस वैकेंसी में कोई भी फॉर्म फिलअप करो गाइज, आपसे मैथ और रीजनिंग तो ये है कि आपसे 100% पूछा ही जाएगा। तो प्लीज गाइज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप रीजनिंग, मैथ्स, जीके और आपका क्या हिंदी रह गया और इंग्लिश रह गया, आप इन पे ज्यादा फोकस करें ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई आप कर पाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका ये सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न था। और हाँ, कि मेरे फ्रेंड्स कहते सर इसमें कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, तो गाइज देखिए, आप सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करें इसमें जूनियर असिस्टेंट वाला, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कुछ अच्छी है और आपके पास प्लस टू पास है तो आप ये जूनियर असिस्टेंट वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। ओके, आपको दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्म है, कई उलझन में हो जाते हैं तो आपको दिखा देता हूँ मैं, ज्यादा मतलब वो नहीं करूंगा आपको, ठीक है, आप देखिए गाइस, आपको दिखा देता हूँ पोस्ट में एक बार, ऊपर है वो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आई थिंक ये देखिए गाइस, देखिए मैं स्लाइड कर देता हूँ, ये जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट वाली पोस्ट आप भरिएगा। ओके, इसमें 292 पोस्ट आपकी, अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी बहुत अच्छी है और आपके पास प्लस टू पास है, फॉर्म आप पक्का फिलअप कीजिएगा, और पटवारी वाला फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होती है आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था, दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो आप, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच।